हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इतने ज़्यादा गर्मी में आप सब लोगों का एक ही डिमांड होता है, या तो आइसक्रीम, या तो कुल्फ़ी, या तो कुछ भी ठंडा खाने का। अगर हम कुल्फ़ी घर में ही बना सके तो कैसा रहेगा। तो चलिए, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी कुल्फ़ी की, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बच्चों के लिए तो पार्टी ही समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक एल्युमिनियम की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। तो अब हम इस दूध को पकाते जाएंगे इसके गाढ़ा होने तक। तो हम तब तक इसे पकाएंगे जब तक दूध आधा हो जाएगा। तो दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, बीच बीच में हम इसे हिलाते जाएंगे और हम ध्यान रखेंगे कि साइडों में जो मलाई जमेगी उसको भी लेके हम लोग दूध के साथ मिलाते जाएंगे। तो अब हम करीबन 3 से 4 करछी दूध अलग से एक कप में निकाल लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसका लेवल देखिए कितना कम हो चुका है। पहले ये यहाँ तक था, अब ये बिल्कुल आधा हो चुका है। तो अब इस स्टेज में आके हम लोग इसमें मिला लेंगे चीनी। चीनी हमने 3/4 कटोरी मिला ली है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी मिला सकते हैं। और अब हम इसको दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो दूध हमने एक कप में ठंडा होने के लिए रखा था उसको हमने रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा कर लिया है और उसमें 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला लेंगे। ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अब उसको धीरे धीरे हम कढ़ाई में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखिए कि आप उसे धीरे धीरे ही डालेंगे, अदरवाइज दूध के फटने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो कुल्फ़ी में इस स्टेज पे आके ड्राई फ्रूट्स, या तो इलायची पाउडर, या तो कुछ एक्स्ट्रा मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमको कुल्फ़ी बिल्कुल सिंपल ही पसंद है। तो देखिए दोस्तों, कॉर्नफ्लावर डालते ही इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है और इसका कलर भी कितना प्यारा हो गया है। अब इस स्टेज पर हम लोग गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो गैस बंद हो चुका है, देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल कुल्फी जैसा लगने लगा है। तो ये देखिए दोस्तों, ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब हम इसको सांचे में भर लेंगे। तो क्योंकि हमारे पास घर में कुल्फी के मोल्ड्स हैं, तो सबसे पहले ये हम लोग कुल्फी के मोल्ड्स में डाल के भर लेंगे। तो सांचे फिल हो चुके हैं, अब एक एक करके इसको हम लोग बंद कर लेंगे। अगर आपके पास सांचे नहीं है तो आप लोग इसी तरह से छोटे कप्स में इनको फिल कर सकते हैं। तो चलिए एक और आइडिया आपको देती हूँ। अगर आपके पास स्टिक्स भी नहीं है तो आप लोग इस तरह से प्लास्टिक के स्पून्स को या फोक्स को उनका टिप तोड़ के उसके स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन कप्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल और उससे अच्छे से पैक कर लेंगे। अब रबर बैंड की सहायता से इसको हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम एक नाइफ लेंगे और इसके टिप को हल्का सा कट कर लेंगे और इसके अंदर हम उस स्टिक को भर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये फ्रीज होने के लिए रेडी है। तो अब हम इन सबको फ्रीजर में डाल देंगे मिनिमम 12 से 14 घंटे तक। तो दोस्तों, हमने कुल्फी के सांचे 12 घंटे तक फ्रीजर में रखे थे, अब ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इनको अनमोल्ड। अनमोल्ड करने के लिए हमने एक पतीले में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया है। अब हम इन सांचों को इस पानी में
मिनिमम 1 से 2 मिनट तक डुबो के रखेंगे और फिर ये बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाएंगे। तो इनको हमने पानी में डुबो के रख दिया था, अब देखते हैं कैसे ये निकल जाते हैं। तो देखा ये कितनी आसानी से निकल गए हैं। तो इसी तरह से हमने सारे सांचों से कुल्फी निकाल ली है और कप से भी इसको अनमोल्ड कर लिया है। तो देखा दोस्तों ये कितनी आसानी से बन गया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसे बने। तो इस समर्स में आप लोगों की तो कुल्फी पार्टी हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।